कमरिया कमरिया काले लापाला लाप लागेल कमरिया आहा कमरिया ओह कमरिया करे लापाला अच्छा लागेल करे लापाला लाप लागेल ए संतोष, वो आदमी को देख, फाइव स्टार होटल में बैठा है, चाय पी रहा है बिल्कुल गवारों की तरह। अरे ऐसे तो हम भी चाय नहीं पीते। अरे भाई हम पी भी नहीं सकते, हम कुछ भी करेंगे ना वो लो स्टैंडर्ड कहलाता है। देख ये बड़े लोग हैं, ये जो भी करते हैं ना वो हाई स्टैंडर्ड होता है भाई, यही तो स्टाइल है बड़े लोगों की। जय राम जी की साहब जी। हाँ जय राम जी की, कैसे हो बिठुआ? हाँ सब ठीक है ना? बस आपकी मेहर साहब जी। हाँ अभी तो यहाँ मुंबई में ही है, पांच स्टार वाला होटल में चाय का चुस्की का मजा ले रहे हैं। अरे भाई उस दिन आए कहे नहीं तुम है, कब आवा? ससुरा ट्रेन छुट्टी गवा, पर आज पक्का पकड़ रहे हैं शाम की ट्रेन पटना के लिए। अरे नहीं 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 नहीं, अभी तुम वहीं रुको, देखो काम है बहुत जरूरी, उसको निपटाए के सीधा मधु श्रावणी वाले दिन आ जाना, ठीक है ना? जी साहब जी। अच्छा सुनो बेटा, आज 5 बजे हम तुमको एक फैक्स भेज रहे हैं, सही समय पे दुकान पे हाजिर रहना। हाँ पर कहा है उस फैक्स में? अरे तुम्हारी छमिया की तस्वीर है उसमें, और कहा? कमाल बात है साहब जी, एकदम बढ़िया टिप टॉप है। अच्छा सुन, उसमें उस आदमी की तस्वीर है जिसकी कुंडली तुमको निकालनी। जी साहब जी हो जाएगा। अच्छा सुन, ये वो रहीम खान वाला केस में कुछ झमेला वमेला तो नहीं हुआ ना? वो टेंशन वेंशन की बात तो नहीं है ना? अरे नहीं साहब जी, कोनो झमेला नहीं है, अगर झमेला होता तो हम यहाँ पांच सितार वाला होटल में थोड़ी चाय का चुस्की ले रहे होते, जेल में चक्की पीस रहे होते। हाँ टेंशन वेंशन मत लेना, जितना मर्जी आए मजे करो, लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रहे, इस बार प्लानिंग में कोनो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं साहब जी, एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा, आप बेफिक्र रहिए। हाँ सुन, तेरी माँ तुझको याद कर रही थी, फोन वोन कर लेना उसको। हाँ साहब जी, माई से कहिएगा हम भी उन्हें बहुत याद करते हैं। जयराम जी की भाई साहब। कमरिया आहा कमरिया इका है भैया, बिल तुझे मैं बता नहीं सकती तेजू कि तुझे आज देखकर मैं यहाँ कितनी खुश हूँ। आज तो पहली बार अपनी आत्या के यहाँ आई है। अच्छा ये बता तो क्या पिएगी, चाय कॉफी या ठंडा? थैंक यू सो मच आत्या, सो स्वीट ऑफ यू, लेकिन आज मैं ना अपनी खातिरदारी करवाने नहीं आई हूँ, मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना है। इम्पोर्टेंट डिस्कशन किस बारे में? आत्या क्या है ना कि आज मैंने उन्हें फोन पे बात करते सुना आजोबा से, वो ये कह रही थी कि आपने और आजोबा ने तो उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है, लेकिन आप उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आपने उन्हें हर चीज़ में सपोर्ट किया है, अब आप तो जानती होंगी ना कि वो कैसी औरत है। अभी यू नो मैं इतने दिन से साथ रह रही हूँ, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता उनकी, मुझे पर्सनैलिटी ऐसी लगती है कभी कुछ कभी कुछ, आप मुझे बताएंगे कि? तेजू तो जिस वजह से यहाँ आई है ना उसी वजह में तेरा जवाब छुपा है। मतलब? तेजू तू वहीनी के बारे में कन्फ्यूजन दूर करना चाहती है इसलिए तो यहाँ पर आई है, लेकिन तुझे इसके लिए यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, तुझे तो उनके साथ उनके घर में बताए 3 महीनों को याद कर लेना चाहिए था, तुझे अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाता। तीजू तो वहनी को समझना चाहती है ना तो थोड़ा वक्त गुजरने दे, और प्लीज बस एक बार खुद को उनकी जगह रखकर देख
सोच के इसे क्या वजह रही होगी कि वो अपनी दोनों बेटियों से 18 साल तक दूर रहे। खैर तू ये सोचे या ना सोचे लेकिन वो तेरे बारे में जरूर सोचेगी और मुझे पूरा भरोसा है एक ना एक दिन वो तेरा दिल जरूर जीत लेंगी। ओ प्लीज आत्या आप उनकी तरफदारी नहीं करें तो अच्छा है। आपने देखा नहीं क्या किया उन्होंने ओवी के साथ? आई मीन अर्जुन को पता नहीं क्या क्या बोला है। वो वहां चौल में रह रहा है ताकि वो पूर्वी के करीब रह सके। ओवी के बारे में तो उन्होंने कभी नहीं सोचा। अगर वो इतनी ही उसे प्यार करती तो उसके बारे में भी तो सोचती जितना वो पूर्वी के बारे में सोच रही है। लेकिन नहीं है कोई जवाब आपके पास? है इसका जवाब? होगा ही नहीं। इससे पता चलता है कि वो कितनी सेल्फिश औरत है। फैक्ट है। तेजू, तेरे सारे सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ वहीनी दे सकती है। तुझे बस सही मायने में उन तक पहुंचना होगा। बोल बजरंग बली की जय। अरे बोल बजरंग बली की जय। बोल बजरंग बली की जय। अरे संभाल के सवाल के देख के संभाल के देख के समझ 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 समझ। मैं आपसे क्या पूछ रहा था कि ये हाँ ये मटकी फोड़ने के लिए हमें तकरीबन कितने रिंग्स की जरूरत पड़ सकती है? ये मटकी फोड़ने के लिए हमें चार घर लगाने पड़ेंगे, मतलब एक के ऊपर एक चार रिंग्स बनानी पड़ेंगे। एग्जैक्टली, तब जाकर हम ऊपर मटकी तक पहुँच पाएंगे। अरे संभाल के सवाल के देख के संभाल के देख के। सर आपको नहीं लगता सर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अब चार रिंग्स बना के मटकी फोड़नी है तो हाँ तो हमें अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और आई थिंक कि थोड़े और लड़कों की जरूरत पड़ सकती है सर। एग्जैक्टली सही कह रहे हो आप और सही सोच भी रहे हो लेकिन आप प्रैक्टिस तो करो। बिल्कुल बिल्कुल सर चलिए चलो कम ऑन बॉयज कम ऑन। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी? अब वो आज ही मैं बस यहीं तक ही। अरे बाप रे फोन आया। हेलो। नमस्कार मैडम, मैं एसटी स्टूडियो से बोल रहा हूँ। क्या मैं मिस ओवी देशमुख से बात कर सकता हूँ? एक्चुअली उनका फोन आउट ऑफ कवरेज आ रहा है इसलिए मैंने यहाँ कॉल किया है। नहीं अभी वो फिलहाल आराम कर रही है, मतलब सो गई है। रख देती हूँ। एक एक मिनट मैम। एक्चुअली उनके लिए एक बहुत बड़ा मॉडलिंग प्रोजेक्ट है, उसी सिलसिले में उनसे बात करनी थी। नहीं आपको जो बोलना है ना मुझे बता दो, मैं उठने के बाद उसको बता दूंगी और फोन करवाऊंगी। बोलो। एक्चुअली हम एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसके लिए हमें एक इंटरनेशनल मॉडल चाहिए। हाँ और लकीली ओवी मैम यहाँ है तो। बोलो बोलो ना मैम। लेकिन फोटोशूट आज ही है तो इफ शी इज इंटरेस्टेड तो उन्हें यहाँ आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। तो मैम आप प्लीज एड्रेस नोट कर लीजिए। हाँ एक मिनट है, एक मिनट। हाँ बोलो। एसटी स्टूडियो एमजी रोड। एनजी रोड? नो नो मैम, एनजी रोड नहीं, एमजी रोड। हाँ वही तो, एनजी रोड। अच्छा खैर छोड़िए, हमारा स्टूडियो एमजी रोड पर ही है। ओ हो एमजी रोड, ऐसा बोलो ना। कब से आप एनडी बता रहे, एनजी बता रहे, सुनाई देता नहीं मुझे बराबर। हाँ एमजी रोड। और हाँ मैम एक और बात। हाँ बोलो। उनको कहिएगा कि फोटोशूट आज 3 बजे है। वो जब जग जाएगी ना तो मैं उसको बता देती हूँ और भेज देती हूँ। हाँ देखा मेरे पोती का टैलेंट, कनाडा तो कनाडा, इंडिया में भी लोग उसके साथ काम करना चाहते। अगर वो भी एक काम ले लेगी ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगी, उसके सर पे जो टेंशन है अर्जुन का वो निकल जाएगा। अरे नाम लिया बच्ची का और आ गई। क्या हुआ जी? अरे मॉडल प्रोजेक्ट है, अभी अभी फोन आया था। हाँ ये देख, ये एड्रेस है। अभी तुझे दोपहर में जाना है फोटोशूट के लिए, लेना एड्रेस। अजी
मुझे कहीं नहीं जाना है। इनफैक्ट मुझे अभी कोई भी काम नहीं करना है। ओवी, आर यू मैड? ओवी, मॉडलिंग तेरा पैशन था, इसके लिए तूने बाबा से झगड़ा किया था, याद है तुझे? अब जब काम खुद चल के घर पे आ रहा है तू मना कर रही है, और वो भी उस इंसान के लिए जिसे तेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तीजू, तू अर्जुन के अगेंस्ट क्यों बोल रही है? क्यों ना बोलूं मैं? वो वहां पे अपने आप को प्रूव कर रहा है, अपनी जिंदगी बदल रहा है, और तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है उसके चक्कर में। तीजू, तू जानती है मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ, वो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, फिर क्यों कह रही है ये सब? वो भी मैं जानती हूँ, और तुझे पता है मैंने आज तक तेरी फीलिंग्स उसके लिए कभी भी हमेशा अप्रिशिएट किया है मैंने तुझे, लेकिन अब नॉट एनी मोर। पर तू तो ये सब जानती है, तो फिर जानते हुए भी तू ऐसा कैसे कर सकती है? देखो, मुझे अभी कोई काम नहीं करना है, दैट्स इट, खत्म बात। मैं तो ही संभाल। वो भी बिल्कुल सही कह रही है। मतलब अब मुझे नहीं लगता हमें ओवी को जबरदस्ती करने की जरूरत है, उसका मन नहीं है काम करने का तो क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी वो इतनी बड़ी मॉडल है कि अगर आगे चलकर काम करना चाहेगी तो उसे आगे मिल जाएगा काम। अभी उसे क्यों जबरदस्ती आप काम करवाने के लिए? एक सेकेंड, आप होती कौन है मेरे लिए डिसीजन लेने वाली? मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया, जो तुम कह रही हो वही तो मैंने रिपीट किया है, और वैसे भी वो भी मैं कौन होती हूँ तुम्हारे बारे में डिसीजन लेने वाली? मैं तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहती। आप अगर चाहे भी ना तो मुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती। आज ही मैं ये मॉडलिंग असाइनमेंट जरूर करूंगी। वही, आप भी ना कमाल हैं, आपने ये सब जानबूझकर किया ना? हाँ सुंदरी, अब मैं अपनी बेटियों को बहुत अच्छे से पहचानने लगी। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे कितनी नफरत करती हैं, इसलिए वो कभी मेरी हाँ में हाँ मिलाएंगी नहीं। अगर मैं कहूँगी पूरा तो वो कहेंगी पश्चिम, इसीलिए मैंने जो कुछ भी किया जानबूझ के किया, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं ओवी को वही करने को कहूंगी तो ओवी कभी नहीं करेगी, और वैसे ही हुआ। आई सही कहती, उसका ध्यान कहीं और लगाना बहुत जरूरी है, वरना वो अर्जुन के चक्कर में। इसलिए अच्छा है अगर वो अपना मॉडलिंग करती है तो वो ज्यादा खुश रहेगी। अरे मिस्टर श्याम, आइए आइए सर आइए, आपका दो नंबर कैबिन बिल्कुल खाली है, आपके अलावा किसी को नहीं देता। सर हाँ, ये आदमी कई दिनों से यहाँ पर आ रहा है, आपने उसे कैबिन देकर रखा है, आखिर झोल क्या है? अरे छोड़ना यार, अपने को क्या लेना देना, एक कैबिन का ढेर सारा पैसा देता है, बहुत मालदार पार्टी है दोस्त, सोने की मुर्गी है अंडा देने वाली, इसे काटने की बेवकूफी मैं कभी नहीं कर सकता, समझे? वो खुश हम भी खुश, काम चल रहा है। चिल्ला रहे हो? बताओ मैं? अर्जुन सर, ऑफिस में डील्स क्रैक करना है, इतने लंबे लंबे लेक्चर्स देना बहुत इजी है ना,
लेकिन यहाँ ना सीन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर इतनी ऊंचाई से दही हांडी फोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्या ऑफिस, लेक्चर, डील, अब तो गैरेज में मैकेनिक हो ना, फिर आपका इस सब से लेना देना क्या है? ना लेना देना बिल्कुल है, ऑब्वियसली है। देखो अब मैं गैराज में काम करता हूँ। हाँ करेक्ट। तो अगर गाड़ी बनाने कोई आता है तो उसकी गाड़ी बना के देना, मतलब डील क्रैक। और फिर उसके बाद उसे समझाना कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या थी, तो लेक्चर्स करेक्ट बोला। हाँ वेरी गुड। अच्छा चूरन हमारे दो चाय लेके आ। हाँ बिस्कुट लाओ। चल आके जा। दर्द हो रहा है। इस दही हांडी के चक्कर में इतनी चोट लगा ली, अब काम कैसे करोगे? क्योंकि इस वक्त मुझे चोट की चिंता नहीं, मेरा सारा का सारा ध्यान मेरी मंजिल पर है, यू नो। तुम्हारी आई ने जन्माष्टमी तक का टाइम दिया था, बहुत ही जल्दी सारे पैसे कमाऊंगा, तुम्हारी आई को साबित करूंगा कि मैं और सिर्फ मैं तुम्हारे लिए सही हूं और कोई नहीं। ये मेरी अब तक की कमाई, इन टोटल मेरे पास अभी तक 1520 रुपीज करेक्ट। तुम्हारी आई ने 10,000 रुपए कहा था कमाने के, है ना? और फिर इसमें मेरी इस महीने की पगार जुड़ी, बस टारगेट कंप्लीट। हाँ एक ऐसा टाइम था जब ये पैसे मैं टिप में देता था, आज मुझे उन पैसों की अहमियत पता चल रही है। रियली अर्जुन, अर्जुन मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम आई की शर्त जरूर पूरी करोगे और हम दोनों एक होकर रहेंगे। वीप, आई की शर्त पूरी करना एक बात है, उसके बाद भी पता नहीं धनी कि वो हमें अपनाएंगे कि नहीं। जस्ट होप कि वो हमें समझ जाए। ऐसा ही होगा, है ना? ऐसा होना चाहिए। अरे अर्चना। अरे काकी कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी एकदम अच्छी हूँ। अर्चना 18 सालों बाद तो अपने बच्चों के साथ रह रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है काकी, किसे अच्छा नहीं लगे। बहुत खुशी की मुझे एक मौका मिला अपने बच्चों के साथ रहने का, और सच को खुशी के साथ साथ है ना मुझे मुझे बहुत नाज है अपने बच्चों पर। मतलब मेरे बच्चे आप सच्चू को ही देख लीजिए, वो कितना बड़ा वकील बन गया। तेजू वो अभी कुछ करती नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो बहुत कुछ कर सकती है। और मेरी ओवी तो इतनी बड़ी मॉडल है कि मैं आपको बता नहीं सकती। प्लीज अर्चना, मेरे सामने तू उस मॉडलिंग का नाम भी मत ले। क्यों, क्या हुआ काकी? क्या हुआ ये पूछ के क्या नहीं हुआ, वो मेरी पोती है ना विशाखा, उसे भी इन सब चीजों का बड़ा शौक था। तो ये तो अच्छी बात है ना, शौक होना भी चाहिए। और अब जमाना बदल गया, लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी कितनी सारी लड़कियां हैं काकी जो मॉडलिंग में है, जो बहुत सक्सेसफुल है, जो नाम कमा रही। और मुझे पता है हमारी बेटियां भी नाम कमाएंगी जरूर, लेकिन उस नाम कमाने का तरीका भी तो सही होना चाहिए। मतलब? मेरी पोती के साथ ना एक हादसा हुआ था, इस फैशन वर्ल्ड में करियर बनाने के चक्कर में वो कुछ गलत लोगों की संगत में पड़ गई थी। उन्होंने उसे बड़े बड़े सपने दिखाए, फोटोशूट के नाम पे स्टूडियो पर बुलाया, पर वहां जाने के बाद पता चला कि अरे वो सीधी साधी लड़कियों को फंसा कर उनका अश्लील MMS बनाते थे।
और बाजार में बेचते थे। पूरा का पूरा रैकेट था। वो तो मेरी पोती की किस्मत अच्छी थी, इसलिए वो सही सलामत बच गई। आज वो इतनी सहमी सहमी सी रहती है ना, जब वो स्वामी नारायण के मंदिर के आसपास से भी गुजरती है। स्वामी नारायण मंदिर? हाँ, वहीं कहीं था वो स्टूडियो। वो क्या नाम बताया था विशाखा ने? एसटी फैशन स्टूडियो। हाँ हाँ, एसटी फैशन स्टूडियो।